जन सामान्य तक हम जो होने वाली छोटी छोटी व्याधियां हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनके बारे में उनको अवेयर कराएं और साथ में उनकी आयुर्वेद के प्रति जागरूकता भी स्थापित करें। तो आइए हम आज सबसे पहले हेडेक और माइग्रेन में केस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में आपका स्वागत करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि आयुर्वेद विश्वव्यापी स्वरूप धारण कर रहा है। आयुर्वेद का ग्लोबल एरा में एक अपना महत्व तो स्थापित होता जा रहा है। उसके आधार पे ये जो हमारी समस्या है, हेडेक, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कभी हेडेक ना हुआ हो, की वजह से आपके शरीर में होता। आपको शायद ध्यान मेरे साथ, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो शायद पिछले सैटरडे के सेशन में भी थे। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी सेशन को शुरू करने से पहले, कि एक लिंक हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप सभी इस लिंक को क्लिक करके, इसमें एक फॉर्म है, आप उसको इस सेशन के ड्यूरेशन में आप भर दीजिए। छोटा सा फॉर्म है, दो तीन चीज़ें हैं। और साथ ही यदि किसी व्यक्ति को परामर्श चाहिए तो एक फ्री कंसल्टेंसी हम उस व्यक्ति को देंगे 10-15 मिनट की, जो इस फॉर्म को फिल करेगा। साथ में ये भी रहेगा कि हम इस फॉर्म के माध्यम से फिर उस व्यक्ति को एक निर्धारित अपॉइंटमेंट टाइम भी दे पाएंगे कि विद इन 24 आवर हम आपको एक कंसल्टेंसी दे पाएं। तो आप इस सेशन के ड्यूरेशन में ही इस लिंक को क्लिक करके आप इसे भर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और मैं सेशन शुरुआत करने से पहले कहूँगी कि एक प्रश्न मेरे सामने आया है, कॉज ऑफ हेडेक एंड हाउ वी मे प्रिवेंट। तो बिल्कुल हम यहीं से, इसी क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारे रूट कॉज हैं हेडेक के। तो मैं आपको बता रही थी कि आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि जो हेडेक का कारण है वो वात और पित्त है। तो वात का कारण जो होता है हमारे शरीर में है ड्राइनेस को फैलाना या रुक्षता को फैलाना। जब हमारे शरीर में वायु की वृद्धि होती है तो उस स्थिति में जितनी हमारी नर्व्स हैं उनमें ड्राइनेस आने लगती है, उनमें रुक्षता आने लगती है, स्टिफनेस आने लगती है मसल्स में, और साथ में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की भी शिकायत होने लगती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कब्ज का होना, शरीर में पानी की कमी होना और साथ में हमारे मसल्स में स्टिफनेस आना, या कई बार जो लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू होती है, ये सारे कारण कहीं ना कहीं हेडेक को बढ़ा देते हैं या कहना चाहिए ट्रिगर कर देते हैं। दूसरा कारण है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को सिर दर्द शुरू होने से पहले गैस बनने लगती है या एसिडिटी होती है। तो ये लक्षण है ये बताने का कि हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि हो गई है। पित्त की वृद्धि होने से एक जो एसिड रिफ्लक्स है वो आपके पेट साफ नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी मुझे हेडेक हो रहा है। तो ये जो सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में वायु की वृद्धि होती है और पित्त की वृद्धि होती है, ये हेडेक को हमारे बढ़ा। कई बार ऐसा हेडेक होता है कि जैसे क्लस्टर हेडेक जिसे बोलते हैं, या एक हेडेक वो भी होता है जैसे बहुत लोग जो एल्कोहल हैं जिनको पीने की आदत ना हो और उन्होंने ज़्यादा जिनको पीने की आदत ना हो और उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, उसके बाद जब वो सुबह उठते हैं तब तो उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि हैंगओवर हो गया। तो अब इन हेडेक को आप कैसे पहचानेंगे या आप कैसे जानेंगे कि आपको कौन से तरीके का हेडेक हो रहा है? तो एक छोटी सी बात है कि जो आपका ये सिर का पार्ट है, इसमें जो पीछे का हिस्सा है, यदि आपको ये बैक साइड में हेडेक हो रहा है, केवल स्पेशली ऑक्सीपिटल यहाँ से लेकर के आपको पीछे की बेल्ट में यदि पेन है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपको टेंशन हेडेक है। या हो सकता है कि आपका बीपी राइज कर रहा हो या कई बार फ्लक्चुएट कर रहा हो, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो और उसके साथ साथ वो फ्लक्चुएट कर रहा हो।
और कैसे पता चलेगा कि इसी के हेडेक में ऐसा लगता है कि जैसे सिर बंधा बंधा है, जैसे आप लोग कभी टाइट हेलमेट पहन लें तो उसके बाद हमें लगता है कि सिर में एकदम हमारे भारीपन है, उस तरीके का हेडेक हमें टेंशन हेडेक में फील होता है। ये एक तरीके का डल, इसमें जिसको हम कहेंगे कि डल पेन, इस तरीके का पेन उस हेडेक में होता है। फिर दूसरा हमारा जो हम कहें कि जो हमें साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक होता है या जुकाम ज़्यादा हो जाए, नाक ब्लॉक हो जाती है उसके कारण जब हेडेक होता है, तो उस कंडीशन में आपको नाक के साथ साथ ये जो आपका पोर्शन है आपके स्पेशली आईब्रोज और आपका फोरहेड, ये वाले पार्ट में आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा, साथ में आपको बॉडी एक होगा और रनिंग नोज या ब्लॉकिंग नोज भी होगी। तो आप जान सकते हैं कि इसका कारण साइनोसाइटिस या जुकाम है। तीसरा हेडेक हमारा जो हम कहें कि माइग्रेन, जिससे आजकल हर एक आदमी कहना चाहिए कि 50-60% लोग फाइनली 30-40 साल की उम्र तक आते आते पीड़ित हो जाते हैं। तो माइग्रेन में क्या होता है कि हम ये कहें कि चार तरीके की स्टेजेस होती हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसे सिम्टम्स आपको यदि हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको माइग्रेन है। सबसे पहले होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं प्रोड्रोमल। प्रोड्रोमल माने कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये पेन होने वाला है या माइग्रेन होने वाला है। जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं उनको पहले ही इस तरीके की एक रिकग्निशन होने लगता है, या जो उनका कहना चाहिए ऑरा पीरियड होता है, मुझे माइग्रेन हो जाएगा। वो क्या होता है कि उसमें एक तरीके से उनके कई बार ऑल्ट्रेशन होता है मूड में, मूड ऑल्ट्रेशंस होते हैं, कुछ वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, किसी को नॉजिएटिक फीलिंग आने लगती है, किसी को आंखों के आगे चिरमिरी चिड़ी दिखाई देने लगती है, बिंदियां दिखाई देने लगती हैं, जिसको हम बोलते हैं विजुअल सिंटिलेशंस, ये भी होता है। इसके साथ साथ जब आपको हेडेक शुरू हो जाता है उसके बाद वो कहलाती है हमारी एक रिजोल्यूशन फेज, कि आपकी वो रिजोल्यूशन फेज 2-3 घंटे से जा करके 24 घंटे तक चलती रहेगी। आपको हो सकता है हेडेक एक दिन में ख़त्म हो जाए, और कई बार जो है वो फाइनली ख़त्म होते होते आपको 2-3 दिन भी लग जाते हैं। तो ये जो कहना चाहिए जब हमें 2-3 दिन बने रहते हैं सिम्टम, तो हम इसे कहते हैं क्रोनिक है, ये इसको क्रोनिक प्रॉब्लम है माइग्रेन की, को ज़्यादा अपने आप में पर। फिर एक और हेडेक होता है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। आपने देखा होगा कि कई बार लोगों के केवल आधे सिर में, जैसे माना एक साइड में ही हेडेक हो रहा है, एक साइड में ही पेन हो रहा है और दूसरा साइड बिल्कुल ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कई बार उन लोगों की आंखों में एकदम इस तरीके का पेन होता है कि जिसमें हम कहें कि और नॉजियाटिक फीलिंग आने लगती है, कि उनको उल्टी ऐसा लगने लगता है, और वो रेस्ट करते हैं, सोते हैं दोपहर तक, तब जा करके उनका हेडेक सही हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये डिफरेंट तरीके के हेडेक हैं। ये क्या ज़रूरी है, तो कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान रखें मेरे। सबसे पहली बात है कि जैसा हमने कहा कि वात और पित्त की इसमें वृद्धि है, तो हमें क्या करना है अपने शरीर के अंदर प्रियम, तो पहला पॉइंट हम इसमें ये कहेंगे कि सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तीसरा, बॉडी को आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, बॉडी का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 4, आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कर सकते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स को जब आप यूज़ करेंगे एक साथ, तब डेफिनेटली आपको अपने को जब आप यूज़ करेंगे एक साथ तब डेफिनेटली आपको अपने पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। मैं यहाँ तक कहूँगी कि यदि किसी को 100% माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसको इन चीज़ों को करने से 50% तो दूर हो ही जाएगी, बाकी बची हुई प्रॉब्लम फिर बाद में आप कुछ हर्बल मेडिसिंस भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं, एक दो मैं उन्हें ले दूँ। अशोक जी पूछ रहे हैं कि हम कब्ज को और गैस को कैसे दूर करें। बिल्कुल, हम अभी इसमें आपको जब हर्ब्स के बारे में बताएंगे तो इस प्रश्न को आपके लेंगे।
परिधि का क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन क्योर हेडेक विद वॉमिटिंग। परिधि आपका ये प्रश्न जो है, जहाँ तक कुछ कुछ जो मैंने माइग्रेन के सिम्टम्स बताए उस पर ही आधारित है कि यदि उल्टी के साथ आपको हेडेक भी हो रहा है तो हमें क्या करना है इसमें, आपको उल्टी को रोकने की पहले हमें कोशिश करनी पड़ेगी। उल्टी बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एक बार स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो बार बार हमारे अंदर ऐसी फीलिंग लाते हैं कि आपका जो है आपको उल्टी होनी है, और उसके साथ साथ हम इनवॉलेंट्री उल्टी करते चले जाते हैं, सब निकलता जा रहा है और केवल उसके ब्रेन को ऐसा स्टिमुलस जा रहा है हेडेक की वजह से कि वो बार बार उसको नॉजिएटिक फीलिंग हो रही है। तो मैंने वही कहा कि उस ड्यूरेशन में जिस समय ऐसी कंडीशन आएगी तब तो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन उसे देनी ही पड़ेंगी और डॉक्टर उनको देख सकते हैं। अनिका पूछ रही हैं कि यूजुअली गेट हेडेक जस्ट आफ्टर आई वेक अप, व्हाट कैन बी द रीज़न। अनिका आपकी प्रॉब्लम भी थोड़ी थोड़ी जो मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी हमारा पित्त शरीर में बढ़ा होता है और हमें नींद की डिस्टर्बेंस होती है, ये भी मैं अभी जो अपनी टेक्निक्स हैं उसमें मैं ये लेने वाली हूँ, इसमें सबसे बड़ी आपकी समस्या दूर होगी लाइफस्टाइल चेंज से कि आपको क्या अपने दैनिकचर्या में परिवर्तन लाना है जिससे आप अपने सुबह उठने वाले हेडेक को दूर कर पाएं। ओके, एक प्रश्न और है, मिस्टर गुप्ता पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ फूड डेवलप माइग्रेन। हाँ मिस्टर गुप्ता, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको मैं टेक्निक स्टार्ट करने से पहले ले लेती हूँ एक थोड़ा सा बताने के लिए कि जैसा अभी एक और प्रश्न भी है नीचे, गुंजन पूछ रही है हाउ कैन वी क्योर क्रोनिक माइग्रेन इन हाफ साइट। गुंजन आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन करा है, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसके लिए मैंने बताया कि कई बार हमारा माइग्रेन जो है वो क्रोनिक कंडीशन में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, और ये क्लस्टर हेडेक के साथ मिलकर के कॉम्प्लिकेटेड फीचर बना देता है। तो आपके लिए ज़रूरी है जितनी भी मैं टेक्निक्स बताऊं आप इसको डेली कम से कम 10 डेज तक यूज़ करें, और साथ में इसका जो भी आपका फीडबैक हो वो मुझे ज़रूर दें। एक मैं मिस्टर गुप्ता का क्वेश्चन ले लूं, उसके बाद में हम टेक्निक पे शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा है कि कौन सा फूड हमारा माइग्रेन डेवलप करता है। ये गुंजन आपके लिए भी अच्छा रहेगा ये प्रश्न, इसका आंसर आप पहले ये नोटिस करें, जितने भी मेरी ऑडियंस है जो माइग्रेन से जिनको प्रॉब्लम है वो ये नोटिस करें कि उनको अपने आप को एनालाइज करना है कि किस खाने को खाने से या क्या काम करने से उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको प्रोड्रोमल सिस्टम या सिम्टम्स या ऑरा होती है, ऑरा माने आपको एक वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मुझे ऐसा हेडेक होने ही वाला है। कई पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो शुरुआत में ही दवाई खा लेते हैं कि मुझे हेडेक होने ही वाला है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ जो हम अपने डे टू डे लाइफ में खाने इस्तेमाल करते हैं उन पे ध्यान दें कि किन किन की वजह से हमें अवॉइड कर दें या बंद कर दें, क्योंकि कैफीन हमारे ब्रेन में जा कर के उसे स्टिमुलेट करती है और ट्रिगर कर देती है हमारे हेडेक को। फिर दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पार्टम, कुछ लोग आपने देखा होगा जो शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे डायबिटिक हैं और उनको खीर खाने का मन है तो क्या करेंगे, वो दो गोली उसकी निकाल के डाल लेंगे। तो कभी कभी यदि आप लेते हैं एस्पार्टम तो ठीक है, लेकिन डेली रूटीन में ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ ना करें, ये भी आपको इन फ्यूचर हेडेक कर सकते हैं। तीसरे, इसमें मैं केवल वही फूड बताऊंगी आपको जो आप रूटीन में अपने यूज़ करते हैं, आपने नाम सुना होगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, बहुत सारे आप देख रहे हो आजकल जैसे हमारी मैगी आती है या बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वाले फूड आ रहे हैं इसमें MSG मिला होता है।
साथ में जो हम चाइनीज फूड लेते हैं उसमें भी हम डालते हैं, तो कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता है, इसकी वजह से उनको माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। फिर एक और नाम लूंगी मैं, चीज़। आपने सुना होगा पारमेजियन चीज़। तो स्पेशली कुछ चीज़ होते हैं जिन, ये जो पारमेजियन चीज़ है इसके अंदर टायरामीन्स होते हैं जो हमारे हेडेक को स्टिमुलेट कर देते हैं। इसके अलावा आप इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि जो आप फर्मेंटेड फूड लेते हैं या लेते हैं, अचार आप यदि ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करें, वो भी एक माइग्रेन का कारण हो सकता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई जिनसे कि आपके शरीर में वायु इंक्रीज हो रही है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, आइसक्रीम्स नहीं लेनी है, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस वर्कआउट्स नहीं करने हैं जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हों, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी वो आपके हेडेक को ट्रिगर कर देगी। थोड़ी करके आप एक्सरसाइज को बढ़ाएं, और जितने भी आपके जो मार्केट वाले फ्रोजन फूड्स हैं उनको भी अवॉइड करें। तो आप फर्मेंटेड फूड्स ना लें, बहुत ज़्यादा पिकल ना लें, फ्रोजन फूड ना लें, कैफीन की मात्रा को कम करें। यदि आपने ये 7-8 चीज़ें अपनी डाइट में से कर्टेल कर दी तो आपकी लगभग 20-25% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि उन पैकेट्स के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है और ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें हमारी लाइव स्ट्रीम भी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, और आज हम जो टेक्निक्स बता रहे हैं उनको भी आप फॉलो करें। तो आइए, जो अभी अनिका ने क्वेश्चन पूछा और चंचल जी पूछ रही हैं, तो लाइफस्टाइल में ऐसा नहीं करना है हमें कि हमें जैसे हम हैं उससे कुछ परिवर्तित हो जाना है। सबसे बड़ी चीज़ है लाइफस्टाइल में कि आप दो चीज़ें चेंज कर लें, एक तो अपना स्लीप अवेक रिद्म या स्लीप जो सोने का और आपने जागने का टाइम है आप उसमें एक रिदम बना लें। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपकी डाइट है उसको आप शेड्यूल कर लें कि हमें ये चीज़ें खानी है और ये चीज़ें नहीं खानी है। अब हमें क्या करना है लाइफस्टाइल में अपनी, कि यदि आप देर से सोते हैं रात को, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है, वो गड़बड़ा जाती है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करें आप कि सुबह को थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, बहुत जल्दी नहीं भी उठ पा रहे हैं तो 6 बजे तक उठ जाएं, और आप उसी पैटर्न को रेगुलेट करें कि आपने एक निश्चित निर्धारित समय पर ही सोना है और निर्धारित समय पर ही उठना है। जो भी आपकी दिनचर्या हो उसमें ऐसा ना करें कि एक दिन आप 2 बजे तक जगे, 3 बजे तक जगे और फिर सुबह भी आप 10-11 बजे तक सोते रहें, अगले दिन आप 10 बजे ही सो गए और 4 बजे उठ के बैठ गए। तो ये जो सिस्टम हमारा बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और यदि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या हेडेक की प्रॉब्लम है तो आप इससे जल्दी ही परेशान हो जाएंगे या आपकी ये प्रॉब्लम ट्रिगर करने लगेगी, आपको बहुत जल्दी ये एपिसोड्स होने लगेंगे। दूसरा जो आपको डाइट में करना है चेंजेस, कि आप ओवरऑल अपनी जो डाइट आप ले रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करिए, उसको आपको ज़रूर लेना है, मैक्सिमम आप 10 बजे तक ले लें, और लंच आप 1:30 से 2 बजे तक कर लें, और रात का भोजन आप अपना 7 से 8 के बीच में फिनिश कर लें। ये पैटर्न आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको 2-3 टेक्निक इसमें बताना चाहूँगी। एक, आप सुबह उठ करके कम से कम 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें। जब आप उठते हैं तो आप इनहेल करें, सांस अंदर भरें और ओम का उच्चारण करते हुए उसको बाहर निकालें। ऐसा आप 10 बार करें, और 10 बार जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं उसके बाद आप 5 से 10 मिनट फिर प्राणायाम भी कर सकते हैं, और प्राणायाम के बाद आप 2-3 एक्सरसाइजेज
जो कि स्पेशली हेडेक के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, उनको आप कर सकते हैं। प्राणायाम में आप कोशिश कर उनको आप कर सकते हैं प्राणायाम में आप कोशिश करें कि भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है कि जो उसकी हमिंग साउंड होती है, जब आप अपनी आईज को क्लोज करते हैं और नोज़ को क्लोज करते हैं और गले से जब आप सांस निकालते हैं, तो जो वो हमिंग साउंड होती है, जो हनी बी की साउंड है, तो उससे होती है, तो वो जो सेंसेशन जाते हैं वो हमारे हेडेक को रिड्यूस करते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ आप जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार आगे तकिया लगा कर झुक के बैठ जाते हैं, अपने हाथों को फैला करके इस पोस्चर में झुक जाते हैं आगे की तरफ, ऐसे करके लेट जाएंगे। तो आप ज़मीन पर बैठ करके चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर सकते हैं, जिस समय आप रूटीन में उस पोज में आप बैठें 30 सेकंड तक, फिर आप नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद दोबारा करें इस क्रिया को, आप 5 बार कर सकते हैं। साथ में आप जो है एक्सरसाइज एक और भी कर सकते हैं इसके लिए, कि आप आगे झुकने वाली एक्सरसाइज करें। जैसे आपने कभी सूर्य नमस्कार देखा हो या करा हो, तो आप उसको कर सकते हैं कि जो उसमें 12 आसन होते हैं वो हमारे पूरे शरीर को स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें स्ट्रेचिंग करते हैं उसमें, और एक एनर्जी भी पैदा करते हैं। इसमें जो स्पेशली हमारा आगे झुकने वाला आसन है, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि जैसे आपने कभी स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे कि वो बिल्कुल आगे को झुके हुए होते हैं, तो इस तरीके का आप पोज, जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग फेसिंग पोज, हम कोशिश करेंगे कि आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएं। अब वो पॉइंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना है। पहली बात तो जर स्कार भी बन सकता है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको पेन है तो आप इस तरीके और इस पर प्रेशर देंगे और छोड़ेंगे, इसको दबाएंगे, आप अपना जो ये थर्ड आई वाला पॉइंट है इसमें दबाएंगे और छोड़ेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको दबाने और छोड़ने से इसका स्टिमुलेशन हो जाता है। इसके स्टिमुलेशन से क्या है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी स्टिमुलेट होती है, इसीलिए इसको थर्ड आई का पॉइंट कहा गया। इसको आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। जितने भी हम पॉइंट्स बता रहे हैं उन सभी को आप, दिन की ये आईज हैं, इसका जो बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर आपने ड्रिलिंग मशीन देखी होगी जो कारपेंटर यूज़ करता है, तो एक तरीके से ये आप यहाँ अपने जो पॉइंट्स हैं उन्हें ड्रिल कर रहे हो, तो इसे हम ड्रिलिंग टूल भी बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, आप अपने थंब यूज़ कर लीजिए और आप ये जो पॉइंट हैं दोनों हमारे, इस पर आप प्रेशर दें, छोड़ें, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर देंगे, इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे और फिर रिलैक्स, और फिर रिलैक्स। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेग्रेंस है, जो आपको खुशबू आती है, इन पॉइंट्स को आपको दबाना है और छोड़ना है। इस तरीके से दबाएं और फिर छोड़ दें, तो ये भी आप कम से कम 10 से 15 बार करें। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको करना है, वो जिनको ये प्रॉब्लम है, जिन्होंने अभी पूछा मुझसे कि एक तो क्लस्टर हेडेक है, या जिनके सिर में कोई एक नर्व जिसमें पेन होता है, तो आप नोटिस करेंगे ये हमारी आईब्रोज हैं। आईब्रोज पे आप जाइए लास्ट में, जहाँ ये एंड हो रही हैं, यहाँ आपको हल्का सा गड्ढा दिखाई देगा, आप दोनों साइड में देखो, ये रिलीज, यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपको जो आपको टेंशन हेडेक हो रहा है, या जो आपकी नर्व में हेडेक है, उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। कुछ लोगों को तो एकदम पूरा ही आराम मिल जाता है, अदरवाइज कम से कम आपको 70-80% तो आराम मिल ही जाएगा। तो ये पॉइंट आप 2 से 3 बार रूटीन में अपने करना शुरू करें, क्योंकि
ये जितने भी वाइटल पॉइंट्स हैं हमारे जो बॉडी के चैनल्स हैं, ये उनको स्टिमुलेट करते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डिजीज़ होती है तो इट मीन्स कि जो हमारे चैनल्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए हैं, उसमें कोई आपने ना कोई रुकावट आ गई है। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी आप नहीं कर पाएंगे और याद भी नहीं रहेगा। देखिए ये जो हमारा बीच का पार्ट है जिसमें जो लोग सीधी मांग निकालते हैं, तो हम दोनों हाथ से करें यदि, तो आप इस तरीके से रख लीजिए पूरे हाथ पे और आप ये देखें ये मेरे फिंगर्स बिल्कुल मेरी टच कर रही हैं। अब आपको ये प्रेशर देना है अपने हाथ पर। इसमें प्रेशर देने का तरीका ये है कि आप फिंगर्स पर प्रेशर दें, इस पर ना दें, इस तरीके से ना दबाएं, इसे पूरा हाथ रखें और जो ये जो आपके बीच की ये लाइन है जिसको हम बोलते हैं सीमंत मर्म, इस पॉइंट को आप दबाएं और छोड़ें, दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें। जब आप इस पॉइंट को 10 से 15 बार कर पॉइंट को 10 से 15 बार करते हैं तो जितनी आपकी ब्रेन की नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं। तो आप जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है या टेंशन हेडेक है वो इसको ट्राई करें, पहला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। आप ये पांच पॉइंट्स ट्राई करें जो हमारे मर्म पॉइंट हैं। यदि आपको इंटरेस्ट है मर्म थेरेपी को समझने में या जानने के लिए तो आप हमारी वेबसाइट देखें, इस पे हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, छोटे छोटे घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे शहद सबके और नमक भी होता है, तो आप उस कंडीशन में यदि हेडेक हो रहा है तो हाफ टी स्पून नमक ले लीजिए और उसमें हाफ टी स्पून शहद ले लीजिए, तो आप दोनों को मिक्स कर लें और उसकी एक डोज ले सकते हैं। यदि हेडेक कंट्रोल नहीं होता है तो उसको आप दिन में 2 से 3 बार भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप सॉल्ट की सौंठ आप सभी जानते हैं, हमें ग्रीन यूज़ नहीं करना है, इसके लिए सौंठ लेनी है। सौंठ को आप जैसे इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप कूट लीजिए खरल वरल में डालकर किसी में, या जो आपके पास कुछ इमाम दस्ता टाइप चीज़ हो तो आप उसमें कूट सकते हैं। उसके अंदर उसको क्रश करके आप क्या करें, उसमें 2 टेबल स्पून या दूध मिला दें और उसको हल्का सा रब कर लें, मतलब जैसे हम सिलबट्टे पर चटनी बनाते हैं उस तरीके से आप उसका एक लेप बना लें और उस लेप को आपको अपने फोरहेड पर लगाना है, और लगाना कितना है आप उसको चौथाई अंगुल इतना मोटा लगाना है, मतलब ये नहीं है कि बस हमने पतला सा लगा लिया, आप मिनिमम इतना लगाइए और उसको लगा करके ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए और उस ड्यूरेशन में आप लेट जाइए रिलैक्स होकर के। यदि किसी को वो लेप लगाने के बाद कोई चिरमिराहट होती है या कोई दिक्कत होती है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि जो सौंठ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी गर्म है, इसीलिए हमने उसमें दूध भी डाला है। और कुछ लोगों की जो प्रकृति होती है वो पित्त प्रकृति है, प्रकृति के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे कि जो अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं उनकी प्रकृति के हिसाब से भी उनको बीमारियां होती हैं, तो इस तरीके के लेप को भी आप लगा सकते हैं और लगा के लेटने के बाद जब वो ड्राई हो जाए तो उसको धो दें, तो आप इसको ट्राई करें। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माइग्रेन के लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप कम से कम साल में 2 बार पंचकर्म थेरेपी को इस्तेमाल ज़रूर करें। पंचकर्म थेरेपी आपके बॉडी के अंदर पूरा प्योरिफिकेशन कर देती है, या कहना चाहिए कि डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है बॉडी का। इसके लिए आप शिरोधारा ज़रूर लें जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, और घर में आप नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। नस्य क्या है,
इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं प्रतिमर्शनस्य, जिसमें आप दो दो बूंद तेल की अपने नाक में रोज डाल सकते हैं। अब उसके लिए आप कौन सा तेल इस्तेमाल करें, अच्छा है कि यदि आप बादाम का तेल, आपको आसानी से मिल जाएगा, आप बादाम का तेल ले सकते हैं। यदि नहीं मिल पा रहा है तो आप तिल का तेल ले लीजिए, और सुबह जब आप ब्रश करते हैं, उठते हैं, उस समय आप खाली पेट एक एक करके दोनों नॉस्ट्रल्स में आप पीछे की तरफ हेड डाउन करके लेट जाएं, और तब उसकी एक एक बूंद डालें, और डाल करके उसको सक करें, ताकि नाक से लेकर के गले तक का आपका पोर्शन पूरा लुब्रिकेट हो जाए। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है, मैं पहले भी कई बार मैंने बताया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, कि नाक सिर का द्वार है। इसलिए हमारे जो मर्म पॉइंट्स हैं, वो भी जो हमारे यदि आपकी नाक का में ब्लॉकेज नहीं है, नाक खुली हुई है, तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। यदि नाक बंद है तो आपको सिर भी भारी लगने लगेगा। तो नाक को ओपन करने के लिए आप रूटीन में नस्य का प्रयोग कर सकते। किसी को यदि टेंशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से हेडेक हो रहा है, तो वो शंखपुष्पी और ब्राह्मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी टैबलेट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप मेंटल रिलैक्सेशन के लिए इनकी दो टैबलेट्स ले सकते हैं रात को सोते समय। और बहुत अधिक औषधियों के विषय में तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी कोई औषधि यदि आप ले रहे हैं तो उसको आप चिकित्सीय परामर्श से ही लें। आपका कोई और प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ, सब कुछ चीज़ें खाने के लिए तो मना कर देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट सैटरडे हमने एक सेशन रखा है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं उस सेशन को, कि इज फूड रिलेटेड विद मूड, कि क्या भोजन आपके मूड से रिलेटेड है, क्या हम अच्छा खाना खाने से हमारा मूड भी खुश होता है। तो आप हमारे नेक्स्ट सेशन